हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाइट गेज के बारे में कि हाइट गेज कितने तरह के होते हैं और हाइट गेज से हम कौन कौन से मेजरमेंट कर सकते हैं, हाइट गेज का बेसिक एप्लीकेशन क्या होता है, हाइट गेज किस स्टैंडर्ड पे काम करता है। आगे चलने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ने अभी अभी लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और यदि आपको कोई लीन सिक्स सिग्मा से रिलेटेड क्वेरी होती है, कोई ग्रीन सिक्स सिग्मा से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, कोई एलो सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, एंड ब्लैक बेल्ट लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, या कि आप जानना चाहते हो कि लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट में कौन कौन से कोर्सेस पढ़ाए जाते हैं, लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट में कौन कौन से कोर्सेस पढ़ाए जाते हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप करके भी अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया जाएगा कि लीन सिक्स सिग्मा क्या होता है एंड सिक्स सिग्मा क्या होता है, ग्रीन बेल्ट में कौन कौन से कोर्सेस होते हैं, ब्लैक बेल्ट में कौन कौन से कोर्सेस होते हैं, येलो बेल्ट में कौन कौन से कोर्सेस होते हैं, मास्टर ब्लैक बेल्ट में कौन कौन से कोर्सेस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल में बहुत सारे क्वालिटी से रिलेटेड, मोस्टली क्वालिटी से रिलेटेड सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके और भी बहुत सारे क्वालिटी रेट वीडियो देख सकते हैं और अपने स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और कहीं पे भी कोई इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, अपनी पोजीशन पे को भी अपग्रेड कर सकते हैं और अपनी एक कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए कि ताकि हमारे हर एक वीडियो की अपडेट आपको इमीडिएट मिल जाया करे। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हाइट गेज के बारे में अच्छे से समझ पाएं और अपने नॉलेज को इन्हेंस कर पाएं और ग्रो कर पाएं कैरियर में। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अप्लीकेशन क्या होता है हाइट गेज का, और हाइट गेज के बारे में पहले अच्छे से जानते हैं कि आखिर हाइट गेज में कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स लगे होते हैं। तो चलिए जानते हैं हाइट गेज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले यदि हम हाइट गेज की बात करें तो इसका हम पहले नॉमनक्लेचर देख लेते हैं कि हाइट गेज में कौन कौन सी स्टडीज होती हैं। दोस्तों, हाइट गेज में आप जो ये वाला पोर्शन देखते हैं, सबसे पहले हाइट गेज से पूरा टिका रहता है जो कि हम सरफेस प्लेट में रखते हैं और इसी से स्लाइड होता है, इसको बोलते हैं आप बेस या रिफरेंस सरफेस बेस। फिर यहां पे दोस्तों सबसे टॉप फेस में यदि आप चले जाते हैं तो इसको बोलते हैं स्ट्रट, ये ऊपर वाला पोर्शन जिसमें दोनों रॉड कॉलम जो है लॉक होते हैं, एक को बोलते हैं मेन पोल, दूसरे को बोलते हैं सब पोल, दोनों को मिला के हम बोलते हैं कॉलम। यहाँ पे एक फीड हैंडल लगा हुआ है जिसके थ्रू ये पूरा जो पोर्शन है ये अप एंड डाउन होता है, इसको हम स्लाइडर बोलते हैं, पूरा क्या है स्लाइडर है। यहां पे आप देखेंगे एक पॉइंट सा बना हुआ है टच प्रोब कनेक्टर बोलते हैं, यहाँ पे कनेक्टिंग डिवाइस लगी हुई है जिससे हम टच प्रोब कनेक्टर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेजरिंग स्टाइलस है, इसमें हम कोई भी स्टाइलस लगा के अपना मेजरमेंट कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे बैटरी कैप है, इसको ओपन करेंगे और यहां से बैटरी लगा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। ये दोस्तों स्टाइलस कैंप है, यहाँ पे स्टाइलस लगा के और इसको टाइट किया जाता है ताकि हमारा स्टाइलस अच्छे से लॉक हो जाए, और ये स्क्रबिंग स्टाइलस है और ये इसका मेजरिंग फेस है। तो दोस्तों ये हो गया मेन, ये जो स्टाइलस होता है दोस्तों ये चेंजेबल होता है, यहाँ पे आप कोई भी किसी भी तरह, चाहे पप्पी डायल लगा सकते हैं, प्लंजर डायल लगा सकते हैं, या यहाँ पे आप रफनेस टेस्टर जो आता है मिनटोया, वो भी यहाँ पे लॉक करके और आपको एज ए स्टैंड यूज कर सकते हैं आप इस हाइट गेज को। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका ये वाला पार्ट। यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये पूरा क्या है डिस्प्ले है, यहाँ पे पूरा मेजरमेंट इसका शो करेगा, जब भी आप अप एंड डाउन करो तो पूरा मेजरमेंट यहाँ पे इसका, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे स्विचेस दिए हुए हैं जिसमें ये होता है हमारा डायरेक्शन स्विच होता है, यहाँ पे नंबर अप डाउन बटन होती है, यहाँ पे होल्ड डेटा बटन होती है, यहाँ पे आप बटन को प्रेस करके डेटा होल्ड कर सकते हैं,
प्लस एक डिजीमेटिक डेटा सॉकेट होता है, यहां से एक सॉकेट लगा होता है जिसमें आप सॉकेट में पुट करके और इसको ऑनलाइन डेटा को भी आप ले सकते हैं। जीरो सेट बटन होती है यहाँ पे, इसको आप दबा के हाइट गेज को रीडिंग को जीरो कर सकते हैं, जहां से आप जीरो करना चाहें। ये यहाँ पे दोस्तों आपका पावर बटन होता है। ये दोस्तों ये बेसिक हो गए डिजिटल के लिए। यदि आपका हाइट गेज डिजिटल टाइप का है तो कुछ इस तरीके से इसका नॉमन क्लेचर होगा, और सारे इंस्ट्रूमेंट्स में जितने भी पार्ट्स होते हैं इनका ये नॉमन क्लेचर होता है। यहाँ पे आप इसका देख रहे हैं मैनुअल गेज, जिसको हम बर्नियर हाइट गेज कहते हैं। तो सेम सारी चीजें वही है, बस इसमें डिजिटल डिस्प्ले नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हाइट गेज का एप्लीकेशन क्या होता है। तो दोस्तों हाइट गेज की जब बात करते हैं, तो हाइट गेज का एप्लीकेशन टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम ए रेफरेंस सरफेस टू स्पेसिफिक फीचर ऑफ द पार्ट टू वेरीफाई दैट इट मीट्स स्पेसिफिकेशन एंड टॉलरेंस। तो दोस्तों किसी भी पार्ट के एक रेफरेंस से दूसरे सरफेस तक को मेजर करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पार्ट अपनी पार्ट स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, मान लीजिए ये इसका डेटा में रेफरेंस सरफेस है, और यहां से यहां तक कि हमें हाइट इसकी मेजर करनी है, तो यहां से लगा के डेटा में जीरो करके और इसको अप कर दिया जाएगा इसके थ्रू, और यहाँ पे लगा लगा के देखें कितना मेजरमेंट आ रहा है। जितना मेजरमेंट आएगा वो उसकी हाइट होगी। और यहाँ पे जैसे मैं पहले आप बता रहा था कि आप स्टाइलस को चेंज करके आप यहाँ से डायल इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, प्लंजर डायल भी लगा सकते हैं, और पप्पी डायल भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक यूज होता है हाइट गेज का दोस्तों, किसी भी पार्ट की स्पेसिफिकेशन को मेजर करने के लिए कि एक्चुअल पार्ट में क्या ऑब्जर्व हो रहा है उसकी हाइट। और बेसिक हाइट गेज जो यूज होता है बड़े लॉन्ग प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, जिससे कि हाइट ज्यादा है और जिनका डाया वगैरह थोड़ी ज्यादा है। इस तरीके से हम मेजरमेंट थ्रू हाइट गेज कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है कि आप केवल हाइट ही मेजर कर सकते हैं या लेंथ ही मेजर कर सकते हैं। आप इसके थ्रू जितना आप इसका यूज करना चाहें उतना आप इसका मल्टीपल यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी की कंसेंट्रिसिटी यूज करनी है, चेक करनी है किसी पार्ट की, किसी की परपेंडिकुलरिटी किसी पार्ट की चेक करनी है, तो आप सरफेस रफनेस में इस तरीके से भी ब्लॉक में लगा के पार्ट को और इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आप जानते हैं कि हाइट गेज कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों हाइट गेज सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजिटल टाइप आप हाइट गेज मोस्टली कंपनियों में मिलते हैं, फिर बर्नियर हाइट गेज मिलते हैं, और फिर डायल टाइप आप हाइट गेज मिलते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक हाइट गेज बहुत ही कम कंपनियों में मिलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, बहुत ही प्रसाइज होते हैं, बहुत ही प्रसाइज मेजरमेंट देते हैं। तो फोर टाइप आप बेसिकली हाइट गेज होते हैं। हाइट गेज का मेजरमेंट आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी जाना था, अब इसमें हम और देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप डायल लगा के इसकी आप फ्लैटनेस चेक कर सकते हो, इसकी आप परपेंडिकुलरिटी चेक कर सकते हो, एक डेटम को आप फिक्स करके, जैसे ये डेटम फिक्स हो गया सरफेस प्लेट में, तो आप इसकी यहाँ से फ्लैटनेस चेक कर सकते हो, या रफनेस टेस्ट लगा के रफनेस चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लंजर डायल लगा हुआ है, पप्पी डायल लगा दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे परपेंडिकुलरिटी फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप हाइट गेज से हाइट चेक कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टाइप आप हाइट गेज है, और इससे भी इसकी हाइट चेक की जरिए बहुत ही प्रसाइज मेजरमेंट देता है। यहाँ पे देखिए सेम इसकी हम परपेंडिकुलरिटी चेक कर रहे हैं, पप्पी डायल देख रहे हैं, यहाँ पे भी मेजरमेंट इससे कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अलग अलग मेजरमेंट हाइट गेज की सहायता से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि हाइट गेज की कितनी रेंज होती है। दोस्तों यदि हम स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड में क्लियर डिफाइन है कि 1, 2, 3, 4, 5 रेंज के ही हाइट गेज आते हैं, जैसे कि 250 mm, 300 mm, 500 mm, 750 mm और 1000 mm का। इसमें यदि आप लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो 0.02 लीस्ट काउंट होता है, जो आपके बर्नियर टाइप ऑफ हाइट गेज होते हैं। चल डिस्प्ले लगाते हैं, डिजिटल टाइप ऑफ हाइट गेज यूज करते हैं, तो लीस्ट काउंट इस तरह वेरी करता जाएगा, जैसे कि 0.1 में भी जा सकता है, 0.01 भी हो सकता है। उसी तरह आप डायल टाइप आप हाइट गेज यूज करेंगे, उसमें 0.1 आपको मिल सकता है लीस्ट काउंट। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक टाइप यूज करेंगे तो उसमें आपका जो बहुत ही प्रसाइज होगा। और दोस्तों हाइट गेज का जो स्टैंडर्ड होता है IS स्टैंडर्ड है, वो IS 2921-1988 इसका रिविजन है। दोस्तों ये बेसिक नॉलेज है हाइट गेज के बारे में। इसमें जब हाइट गेज में आप चेक करते हैं, इस 250 mm में आप चेक करेंगे, तो इसमें परमिसिबल जो एरर है 30 माइक्रोन का है, 300 पे 40 माइक्रोन का एरर है, 500 पे
50 माइक्रोन का एरर एक्सेप्टेबल है, 720 60 माइक्रोन का एरर एक्सेप्टेबल है, जब 1000 mm की रेंज पे आप जाते हैं तो आपको 70 माइक्रोन का एरर चेकिंग पे मेजरमेंट पे एक्सेप्टेबल है। तो दोस्तों आई थिंक आशा करता हूँ कि आपको आज ये हाइट गेज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप हाइट गेज से रिलेटेड सारी क्वेरी आपकी दूर हो गई होगी और आपको स्किल में जरूर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकें। और यदि आप इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर इसको अच्छे से पढ़िए और इंटरव्यू क्रैक करिए। और दोस्तों इंटरव्यू की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल विजिट करना ना भूलें, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्ट और इंटरव्यू से रिलेटेड टिप्स भी ले सकते हैं। बहुत सारे वीडियो ऐसे बना के हमने डाले हुए हैं जो कि आपके इंटरव्यू में डायरेक्ट बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।